आई एम डॉक्टर विजय लक्ष्मी आचार्य, इन हाउस डॉक्टर ऑफ सोनी पिक्चर्स नेटवर्क। आज हम लोग एक कुछ बातें ऐसी डिस्कस करेंगे जो आप सोशल मीडिया पे डिस्कस करते हो या सुनते हो, उनको आप फैक्ट्स एंड मिथ्स अपने हिसाब से डिसाइड कर लेते हो। वैसे देखा जाए तो लोगों को लगता है कि एग्स हमेशा हार्ट के लिए कॉन्ट्राइंडिकेटेड होते हैं या हमें नहीं खाना चाहिए जिनको हार्ट डिजीज होती है। ये मिथ है। एग योक जो होता है वो भी हम यूटिलाइज कर सकते हैं, हार्ट पेशेंट है तब भी। कॉफ़ी से बच्चों की हाइट में काफ़ी फर्क आ जाता है, लेकिन ये मिथ है। सिर्फ ये है कि स्वीटन और ज़्यादा शुगर वाली कैफिनेटेड कॉफ़ी हमेशा बच्चों को ओवरवेट जनरेट करती है। एक्सरसाइज जो है वो कम से कम लोग कहते हैं कि 10,000 स्टेप्स हमें चलने चाहिए, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है। मिनिमम रिक्वायरमेंट वैसे भी 4,400 स्टेप्स भी चले तो आदमी हेल्दी रहता है और उसके हार्ट के लिए भी अच्छा बेनिफिट मिलता है। कैरेट जो है वो सभी जानते हैं कि कैरेट से हमारी आईसाइट अच्छी होती है। आईसाइट को इम्प्रूव करें, इम्प्रूव करना इज़ करेक्ट, लेकिन उससे आईसाइट ओरिजिनेट होगी ये गलत। इसीलिए मिथ वाला पार्ट यही होता है कि आईसाइट जनरेट होती है। सो हम ये नहीं कह सकते कि खाली कैरेट से ही हमारी आईसाइट इम्प्रूव हो। वैसे एक एग्जांपल हम लोग कोट कर सकते हैं, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ये ज़्यादा करके जिन्होंने रेडार पियर्स करना, रात को फाइट करना बहुत ही डेलिकेटली और बहुत ही प्रॉपरली हैंडल किया था, इसीलिए उन्होंने कैरेट को बहुत ही मोटिवेट किया कि भाई इसी की वजह से उनकी साइट बहुत अच्छी थी, इसी की वजह से उनका नाइट विजन बहुत अच्छा था। क्रैकिंग योर नकल्स गिव्स यू आर्थराइटिस, विच इज़ नॉट ट्रू, इट इज़ अ मिथ। आप लोगों को रेगुलरली क्रैकिंग ऑफ नकल्स नहीं करना चाहिए। आपकी ग्रिप जो है वो काफ़ी वीक हो जाती है रेगुलर क्रैकिंग करने से। अदरवाइज जॉइंट में कोई मसला यानी कि आर्थराइटिस कभी नहीं होता।